तो गाइज हम लोग जा रहे हैं नारियल पानी पी, हाँ वही बोलते हैं ना हम लोग जा रहे हैं नारियल पानी पीने हाइड्रेट और यस, ताकि हमारी स्किन जो है वो ग्लो ग्लो करे, जो कि कभी करती। नारियल पानी पीने गए थे और हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी हम लोग नारियल पानी पीते हैं इसके में कभी मलाई नहीं होता, कभी नहीं, कभी मतलब वो भैया भी बोल देते कि नहीं इसमें नहीं है ऐसा। तो बेचारी खाती हूँ, फिर बेचारी का बहुत दुख है। कोई बात नहीं, तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर और अब आपको पता चलेगा कि इसके साथ क्या होने वाला है। तो आप वीडियो पे बने रहिए और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैं काटने वाली हूँ श्रिया मैडम के बाल, और वो भी यहाँ तक नहीं। तो देखते हैं कैसा कटता है। तो उससे पहले आप अपने बाल को ऐसे लहरा लीजिए आप 2 मिनट के लिए। ये मैं लंबे बाल जो कटने वाले हैं हमारे पास है कैंची, और मैं आपको आज सिखाऊंगी कि अगर आप घर पे हैं और खुद बाल काटना है तो कैसे काटें। मेरा मुंह दिख रहा है जो भी है, इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए जो मैं भी कलेक्ट कर रही हूँ। तो ऑल द बेस्ट बोल दो, और अगर अच्छा नहीं काटा ये अपने रिस्क में काट कटवा रही है, तो अगर अच्छा नहीं काटा तो मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा तो आएगा। तो मैं काम करती पहले इतना काटती हूँ हाँ। फिर उसके बाद इतना काटती हूँ हाँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, खड़े रहूँ? हाँ, तो खड़े रह सीधा और ऐसा मुंडी लाने भी लगा मारे, तो मुंह तेरा मुंह नहीं दिख रहा है। नहीं रहा है मेरा एक्सप्रेशन, नहीं मेरा एक्सप्रेशन चाहिए था। हाँ बस अब इट्स नाइस। तो पहले इतना काट के देखते हैं फिर उसके बाद कट रहे हैं। धोता तो ये घोड़े के पूंछ का बाल आधा कट चुका है। वहां तक करती हूँ मैं रबर से। शिट शिट तू मत देखना अभी यार, तू मत कर, यहाँ तक करना है। हाँ मैंने उधर था, देख सुन कुछ नहीं होगा, अच्छा करेगा पक्का। बोल दे आज देख सकते हैं। अबे आना थोड़ा आप में देखना, थोड़ा यहाँ कर देना। चलिए अच्छे कर देते हैं, ठीक है बस। बाप रे यहाँ से यहाँ कट गया। तो आप देखिए आप देखिए इस साइड का बाल इस एक में खोल के दिखाओ या एक साथ ही खोलेंगे। तो हम बाल डोनेट भी कर सकते हैं, किसी को घोड़ा वाला बाल लेके जाना है, गंगोले बाल अभी बराबर करके पकड़। आपको पता है मैं इसका एक बार और बाल काट चुकी हूँ, जो यहाँ के सामने की बैंक्स रहता है ना वो भी मैंने काटे थे, जो लोगों को बहुत पसंद आए। जो भी बोलो मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मतलब देखने का दिक्कत रुक जा, मेरा मुंह मत देखा दिखा रहा। शिट शिट चल चुप रह रे, अच्छा दिख रहा है, चल सीधा नहीं है कम कर। आई लाइक दिस, स्ट्रेट तो है, दिखा पूरा बाल, मुंह भी सीधा कर। अच्छे से काटी हूँ मैं, देख सकते हो उसका बाल, अब ये थोड़ी रिलैक्स होके रहेगी। सुन मैं तो बोलती थोड़ा और छोटा कर दे। तो अभी हम इसका बाल सेट करके दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है। इसका फाइनल लुक नहीं है, अभी इसका बाल धुलेगा उसके बाद, मतलब आज मैं ऐसा मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं ना वो बन गई हूँ हेयर स्टाइलिस्ट। यस मतलब जब बाल काटते हैं ना वो, तो अभी इसका फाइनल लुक नहीं है। yes. हम लोग इसका बाल धोएंगे फिर उसके बाद उसको अच्छे से स्ट्रेट करेंगे। पता नहीं जन्मों से इसका बाल धुला हाँ, नहीं, धुला नहीं है, तो उसको मैं धोंगी। तो और आंटी अंकल अगर इसके मम्मी पापा देख रहे होंगे, ये मैं अपने रिस्क में नहीं काटी, ये मैं खुद बोली थी इसलिए काटी, पता चला आंटी मेरे को आके मारी मेरी बेटी का बाल काटी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे दीपाली बाल काटी थी आंटी भी काटी थी ना, एक खाली बताती हूँ, मेरी मम्मी को बताती हूँ। तो ना
मेरी मम्मी जो है ना वो मतलब जब छोटी थी हमारी एज की थी तब उनकी शादी हुई थी, तो मेरी एक मौसी है उनका बाल काट रही, तो उनका बाल करीबन इतना बड़ा था ना मतलब कंधे से भी नीचे तक, तो फिर उसके बाद ना क्या बोलते हैं मम्मी बोली कि दिखा मैं तेरा बाल काटूंगी। अब मौसी आ गई, उस टाइम क्या था कि मतलब टीवी एक ही रहता था ना, तो सब बच्चे बैठ के टीवी ऐसे देखते रहते थे। फिर उसके बाद ना मम्मी मतलब बोली कि मैं काटूंगी करके, अब उनका बाल इतना बड़ा था, मम्मी काटी स्ट्रेट नहीं लगा उनको, मतलब थोड़ा सा काटी इतना उनको सीधा नहीं लगा। फिर वो बोली कि इधर का बराबर नहीं है, इधर का बराबर कर दी, इधर का काटी काटते काटते उनका जो इतना बड़ा बाल था इतना कट दी इतना, और मौसी को पता भी नहीं चला ना। उसके बाद क्या हुआ कि मौसी अचानक से रियलाइज की कि उनका बाल मतलब छोटा हो गया, पलट के देखी तो बोलती है तो मतलब उस टाइम का था मेरी मम्मी काटते काटते बराबर करते करते इधर का बाल यहाँ गया, बट मेरा ठीक है मैं मम्मी को ठीक नहीं हूँ, मैंने अच्छे से काटा है, बाकी देखते हैं बाल धुला के आप एक मिनट गाइस, हाँ बाल दिखा दे। ओह माय गॉड भाई पसीना आ रहा है, ये बाल है, ये इसके घोड़े वाले बाल है, तो किसी को अगर चाहिए, किसी के पे बाल कमी होगी किसी को नहीं चाहिए वो लगा सकता है। बाकी अब इसका हम फाइनल लुक दिखाते हैं आपको बाल धोके, तो गाइस मैं आपको अब फाइनली दिखाती हूँ श्रिया का लुक कि उसका बाल मतलब अच्छे से स्ट्रेट करने के बाद धोने के बाद कैसा दिख रहा है। तो श्रिया मैडम प्लीज अपने जुल्फ और अच्छे से कर, तो आप देख सकते हैं कि श्रिया आप एकदम इंसान दिख रही है मेरे को, मतलब सच्ची में मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो बाकी आप लोग कमेंट में बताना, खास करके श्रिया के दोस्त लोग बताना कि ये कैसी दिख रही है, और एकदम मतलब ऑनेस्ट वाला वो बताना कि सच्ची में उड़ाएंगे ही तो, हाँ उड़ाने वाला नहीं मतलब सच्ची में कैसी दिख रही वो बताना। बाकी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और अच्छा दिखना दिखना छोड़ो मेरे को बोझ कम लग रहा है, दैट्स इट। और ये पता कि मैं काटी कैसा, आई लाइक इट, तू अच्छा काटती है, अच्छा काटी गाइस ये प्रोफेशनल कट है अब तो मैं मेरे को सच्ची में वहाँ क्या बोलते हैं पार्लर वगैरह में काम करना पड़ेगा लग रहा है, तो मैं मेरे को जो भी हायर करना चाहता है मेरा बस ये टेक्निक है कि दो चोटी बना के काटना है, तो आप मेरे को हायर कर सकते हैं और मैं बहुत अच्छे से आपका हेयर कट करके दूंगी। और तो अब मेरे को देख लो, आप लोग को लगता होगा ना कि ये कैसे अपने वीडियो में इतनी मतलब कि बिना तैयार हुए बिना नहाए तो ऐसे आ जाती, हम ऐसे ही है मतलब अभी तो मैं नहाई हूँ तो थोड़ी मैं ठीक ही दिख रहा, तो मतलब ऐसा है कि हमको रेडी होने का मतलब हम रेडी भी होते हैं तो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए होता है, वीडियो बनाने के लिए तो कभी हम होते ही नहीं। आप मेरे को जनरली देखोगे कि मैं ऐसे ही रहती हूँ एंड हम ऐसे ही है, तो अगर आप बोलेंगे तो हम बता देते हैं आपको कि हम ऐसे ही हैं ऐसे ही हैं तो हम उसका कुछ मतलब रियल है, हाँ मतलब इससे खराब मैं और नहीं दिख सकती हूँ। एक यूट्यूबर का मैं देखी थी, उसमें वो बोला था कि इंसान को ना कभी मतलब फेक चीजें नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि असलियत एक टाइम के बाद दिख जाता है। अब मैं ज्यादा तैयार होकर दिखाऊंगी तो वो फेक हो जाएगा ना, आगे चल के मेरी असलियत दिखेगी तो आपको बुरा लगेगा, तो इसलिए मैं पहले से ही बुरी दिख जा रही हूँ जो मेरी असलियत है वो। और मेरे साथ जितने भी मेरे वीडियो में आते हैं वो लोग भी मतलब मैं ओरिजिनल लोगों को ही लाती हूँ, बस कर इसका इंग्लिश कभी ओरिजिनल नहीं होता। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड ये वीडियो मैंने एकदम रैंडम सा बनाया था, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपलोड करूंगी कि नहीं, बट मुझे अच्छा लगा ये देखने में, तो मैंने सोचा कि शायद आपको भी अच्छा लगे। एंड प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।